बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जावेद टेलर मास्टर। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले बटन को लाजमी दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में फ्लैपर वाला डिज़ाइन है और ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, आपने अपने फ्रंट का हिस्सा लेना है। उसकी शॉर्ट आपने मुकम्मल कर लेनी है। और आपने अपने कस्टमर के हिसाब से उसके ऊपर मार्किंग कर लेनी है। तो आपने बुकरम की मदद से ये पैटर्न तैयार कर लेना है। तो हमने ये जो निशान लगाया, ये अभी 2 सूत्र काम है, 5 इंच से। ये 5 इंच से 2 सूत्र काम हम निशान लगा रहे हैं। तो अभी हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। तो जहाँ से हमारा जो शोल्डर, जहाँ से हमारा कंधा शुरू होता है, वहाँ से नीचे की तरफ हमने कटाई करनी। ये हमारा चारों पीस फ्रंट के हैं। अभी हम इसकी स्त्री की मदद से फोल्डिंग करेंगे। ये हम इस साइड से भी फोल्डिंग करेंगे और दूसरी साइड से भी फोल्डिंग करेंगे। और जो 2 पीस इसके हमने और कटाई की है, उनकी भी इसी तरह फोल्डिंग करनी है हमने। ये हमारी फ्रंट का एक हिस्सा मुकम्मल हो गया। और ये दूसरा जो पीस है, हम इसकी भी इसी तरह फोल्डिंग करेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और घंटी वाले बटन को प्रेस करें ताकि हमारे यार आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों, एक एक साइड से हम निकाल लिए, अब दूसरी साइड से भी करेंगे। तो दोस्तों, हम इस तरह इसको एक पीस को नीचे रखेंगे और दूसरे को उसके ऊपर, जो फ्रंट वाला
बड़ा पीस है वो ऊपर रखेंगे, और इसके ऊपर हमने डबल सिलाई करनी है। अभी एक सिलाई इसके ऊपर हम कंकड़ की लगाएंगे, दूसरी एक पैर की लगाएंगे। तो दोस्तों ये डिज़ाइन बहुत प्यारा डिज़ाइन बनेगा। दोस्तों ये देख रहे हैं कि हमने फोल्डिंग किए हुए पीस, आप चाहें तो इधर से आप सिलाई, वैसे भी सिलाई लगा सकते हो कटाई के अलावा, उधर हम वैसे डबल सिलाई करके इसके ऊपर फ्रॉपर लगा सकते हैं। दोस्तों एक सिलाई हमने कंकर की लगानी है और दूसरी इसके साथ पैर की लगानी है सिलाई हमने। बिल्कुल एहतियात के साथ लेके जानी है सिलाई, इसके अंदर सलवट ना है। तो हम अब दूसरी सिलाई इसके साथ पैर की लगा रहे हैं। या दूसरी साइड से भी हम लगा रहे हैं। तो दोस्तों फ्रंट हमारा मुकम्मल हो गया, फ्रंट की सिलाई मुकम्मल हो गई। अभी हमें इसकी कटाई करनी है इसकी अपने कस्टमर के हिसाब से। तो दोस्तों ये पैटर्न हमारा 3.5 इंच में तैयार होगा, दरमियान से ज़्यादा होगा और साइडों से ये 3.5 इंच और 1 सूत्र होगा। दरमियान से तकरीबन 4 इंच है। इधर से भी 4 इंच, 4.25 इंच है। आपने इस तरह करके इसके दो फ्लैपर तैयार कर लेने।
दोस्तों फ्लेपर हमारे तैयार हो गए। और जी हमने दो सिलाई लगाई थी पैर पैर की, तो इसके साथ ही ये ऊपर कंधे के साथ जोड़ के लगानी है हमने। फ्लेपर इधर से रख के हम जोड़ के लगाएंगे। तो इसके ऊपर भी हमने डबल सिलाई लगानी है। ये हमने इसके ऊपर पैर की सिलाई भी लगानी है। ये आप दूसरी साइड का हम फ्लैपर लगा रहे हैं। दोस्तों आप चाहें तो सिंगल सिलाई भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो गया। तो हमने ये बैन वाला डिज़ाइन बनाया है। आप कलर वाला भी बना सकते हो, बैन वाला भी बना सकते हो। ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है।